रामनगरी में इस बार होने वाली अयोध्या की रामलीला इस बार और भी बहुत भव्य होने वाली है। इस बार रामलीला में फिल्मी जगत से जुड़े कुछ नए कलाकार रामायण के पात्रों की भूमिका में नजर आएंगे, जिसमें माता सीता का रोल निभाने के लिए अभिनेत्री भाग्यश्री पहुंच चुकी हैं। तो वहीं अहिरावण की भूमिका के लिए अभिनेता शक्ति कपूर नजर आएंगे। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाली इस रामलीला में भगवान राम का किरदार राहुल भूचर निभाएंगे। इसके अलावा अवतार गिल विभीषण की भूमिका में नजर आएंगे। साथ ही मनोज तिवारी, रवि किशन समेत तमाम कलाकार पात्रों को जीवंत करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछली बार अयोध्या की रामलीला को 14 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा, लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि रामलीला को और अधिक लोग देखेंगे। जय श्री राम। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान प्रभु श्री राम की रामलीला होने जा रही है अयोध्या जी में, लक्ष्मण किला सरयू तट के किनारे। और इस बार आपको भगवान श्री राम की नजर रूप में नजर आएंगे राहुल भूचर, और माता सीता का रोल निभाने जा रही है जानी मानी अभिनेत्री भाग्यश्री जी, और ही रावण की भूमिका में आपको शक्ति कपूर नजर आएंगे, हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी आपको अंगद की भूमिका में नजर आएंगे, और रवि किशन जी सुपरस्टार भोजपुरी और सांसद गोरखपुर आपको नजर आएंगे परशुराम की भूमिका में, और विभीषण की भूमिका निभाने जा रहे हैं अवतार गिल जी, और राकेश बेदी जी आपको कई भूमिकाओं में नजर आएंगे, केवट का रोल निभाने जा रहे हैं, राजा जनक का रोल निभाने जा रहे हैं, और आपको कई फिल्मी हस्तियां भगवान श्री राम की रामलीला के नजर आएगी। तो देखना ना भूले अयोध्या की रामलीला, प्रभु श्री राम की रामलीला 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। जय श्री राम। जब हनुमान जी की किरदार को हम करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम बिंदुधारा सिंह हैं, कुछ नहीं है, हम सिर्फ हनुमान भक्त हैं और उनकी श्रद्धा से हम जो पार्ट है उसे निभाते हैं। बिल्कुल दिमाग में कुछ रॉन्ग थॉट तक नहीं आए, ये हमारे पिताजी ने हमें समझाया था, बिल्कुल कोई भी गलत यानी माइंड में तक नहीं आए, इतना ज्यादा पावर हनुमान जी का है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी आज भी यानी हमारे संग हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम उनके सेवक हैं और उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। पिछली बार अयोध्या की रामलीला ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे विश्व के, 16 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने भगवान श्री राम की रामलीला देखी थी अपने घर में बैठ के। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा? हमें पहली बार हमने देखा है कि हमने ऐसी रामलीला पहली बार की थी जहां लोग नहीं है, सिर्फ टीवी के कैमरा है और रामलीला चल रही है। अब हमें वो समझ में आ गया है, पिछली बार जो भी कमियां थी, हमें जो लगे कि भाई ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए वैसा, उससे भी 100 टाइम ज्यादा इस बार बेटर होगा। तो पिछली बार अगर 16 करोड़ ने देखी है तो इस बार 32 करोड़ से भी ज्यादा देखेंगे। ओम त्रियवकम यजा महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मेव वंदना मृत्योर मुक्षी अमामृतात। नमस्कार, मैं शहबाज खान। भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में होने वाली रामलीला जो कि 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होने वाली है, उसमें मैं लंकापति दशानन रावण का किरदार करने आपके सामने आ रहा हूं। देखना ना भूलिएगा, 7 बजे से रात 10 बजे तक दूरदर्शन 1 पर। पिछले साल आपने हमें बहुत प्यार दिया, करोड़ों लोगों ने रामलीला देखी, और इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि उससे ज़्यादा लोग देखेंगे। बहुत सारे फिल्म सितारे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे मैं रावण बना हूँ, बिंदुधारा सिंह हनुमान बने हैं, शक्ति कपूर अहिरावण बने हैं, भाग्यश्री जी सीता बनी हैं, रजा मुराद साहब विभीषण बने हैं, राकेश बेदी जी हैं, अवतार गिल साहब हैं, ऋतु शिवपुरी हैं, बहुत सारे फिल्मी कलाकार आपको अलग अलग किरदार करते हुए नजर आएंगे। तो मेरी आप सबसे विनती है, इल्तजा है कि 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ज़रूर देखें DD1 पर 7 बजे से 10 बजे तक रात को अयोध्या की रामलीला। जय श्री राम।
नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आ रही हूँ भगवान श्री राम की पावन धरती पर अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभाने। अयोध्या की रामलीला जो विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है, तो देखना ना भूलिएगा। अयोध्या की रामलीला, मेरे प्रभु श्री राम की रामलीला। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।